गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम लखबीर कौर एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5 ऑफ आर लिटरेचर रीडर बुक द साइलेंट स्पेक्टेटर। साइलेंट स्पेक्टेटर, एक जो मूक दर्शक होता है ना, स्पेक्टेटर जो बिना कुछ बोले देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है ना, साइलेंट स्पेक्टेटर। इट इज़ रिटन बाय सिगरुण श्रीवास्तव। तो टुडे आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। Do you have a person with special needs in your family or among your friends? वो कहता है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा, आपके परिवार में कुछ कोई ऐसा person है जिसको कोई special needs हैं, और among your friends या तुम्हारे दोस्तों में कोई ऐसा person शामिल है जो जिसको कुछ special needs रखता हो। वो कई दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, जो जिनको कुछ special needs की ज़रूरत होती है। What do you do to include him or her in your activities? और कहता है कि आप क्या करोगे उसको अपनी activities, अपने साथ उसको involve करने के लिए, अपने साथ उनको indulge करने के लिए ऐसे person को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो what do you do to include him or her in your activities? Read this story about a special child, Seema, who has a hidden talent. कहता है कि ये story पढ़िए जो एक special child के बारे में है, सीमा जिसका नाम है, हु हैज़ ए हिडन टैलेंट, जिसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है। एट लास्ट वी गोट देम, चिम्स, रिंकू एंड आई, आखिरकार हम वो ले ही आए थे, चिम्स, रिंकू और मैं। ऑल ऑफ अस हैड सेव्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स टू बाय द इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्म द बैंड। कहता है कि और हमने पूरे 2 साल तक सेव किए थे अपने पैसे, जो थे उन्होंने सेव किए थे, क्योंकि वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना चाहते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्म द बैंड। अब उन्होंने अपना जो है बैंड जो है वो बना लिया था, आवर बैंड, कहता है हमारा बैंड, एंड नाउ वी हैड डन इट, और कहता है अब हमारा बैंड जो है वो बन चुका है, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट जो है पहुँच चुके हैं। माँ आई क्राइड एज वी कैरीड आवर लोड्स ऑफ बॉक्सेस एंड कार्टन्स इन टू द ड्राइंग रूम। तो वो कहता है कि मैं चिल्लाया, मैंने बोला माँ, जैसे ही हम जो बॉक्सेस थे, डिब्बे थे जिसमें वो कार्टन्स आ रहे थे, उसको लेकर के आ रहे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आए थे, इनटू द ड्राइंग रूम में लेकर के आ रहे थे, कम एंड सी व्हाट वी हैव ब्रॉट। कहता है देखो माँ हम क्या लेकर आ गए हैं। दे इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ह्यूज ओल्ड हाउस, एवरी मेम्बर ऑफ आर जॉइंट फैमिली। कहता है और सभी जो पर्सन थे हमारे परिवार के, जो मेम्बर्स थे, जो हमारा ओल्ड हाउस था, बहुत बड़ा घर था हमारा पुराना, तो वो डिफरेंट अलग अलग कोनों से निकल करके वो सारे मेम्बर जो हैं वो हमारी जो जॉइंट फैमिली थी, हमारा जो संयुक्त परिवार था, वो सारे वहाँ पर इकट्ठा हो गए। माई सिस्टर वॉज द फर्स्ट टू अराइव, और कहता है सबसे पहले जो मेरी सिस्टर थी वो पहुँची, च्यूइंग गम एंड ब्लोइंग लार्ज बबल्स, और वो च्यूइंग गम जो है वो चबा रही थी, एंड ब्लोइंग लार्ज बबल्स, और उसे बड़े बड़े बबल जो है वो फुला रही थी, वॉचिंग अस सेट अप चिम्स सेट ऑफ ड्रम्स, और वो हमें बिल्कुल देख रही थी कि हम जो है चिम्स के जो ड्रम्स थे वो वहाँ पर सेट कर रहे थे। शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड क्राइड, वाओ ड्रम्स ए गिटार। तो वो बड़ी ही खुश थी, उसने अपने हाथ बजाए, तालियां बजाई और चिल्लाई, वाओ ड्रम्स ए गिटार। कहती है खुशी के मारे, वो कहती है वाओ ड्रम आ गया, गिटार, आई विल बी द सिंगर इन द बैंड। वो कहने लगी कि मैं तो सिंगर बनूंगी बैंड में। एज आई वॉज अबाउट टू प्रोटेस्ट, माई ग्रैंड फादर एंटर्ड, गुड ग्रेशियस मी, ही स्क्रैच्ड हिज हैंड। कहता है जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था तो मेरे जो दादाजी हैं वो एकदम से अंदर आ जाते हैं और कहते हैं हे भगवान, गुड ग्रेशियस मी, ही स्क्रैच्ड हिज हैंड, उन्होंने अपना सर खुजलाते हुए बोला, यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टाइज हेयर आर यू। कहता है कि दादाजी पूछते हैं कि तुम यहाँ तो नहीं प्रैक्टिस करोगे, आर यू, क्या तुम करने जा रहे हो ऐसा? नो ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, आई ग्रिंड, डोंट यू वरी, और मैंने थोड़ा सा ग्रिन करते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते से हुए मैंने कहा, नहीं नहीं आप चिंता मत करिए दादाजी, वी आर गोइंग टू सेट इट अप इन आवर क्लब हाउस बिहाइंड द गैरेज। कहता है नहीं दादाजी, हम इसे अपने क्लब हाउस में सेट करेंगे जो गैराज के पीछे बना हुआ है, वहाँ सेट करने जा रहे हैं। माई आंट रोल्ड हर आईज एंड मटर, और मेरी जो आंट थी
उसने कहती कि उसने आंखें सी घुमा ली एकदम से और बुड़बुड़ाने लगी। मटर्ड होता है बुड़बुड़ाना, जब हम मन में मुँह में ही बुड़बुड़ाते हैं ज़्यादा जोर के, हम नहीं बोलते आई एम लिविंग, और बोली कि मैं तो जा रही हूँ। आई कॉन्ट स्टैंड दिस रोक पॉप म्यूज़िक, कहती मैं तो इसको नहीं सहन कर सकती, इट गिव्स मी ए माइग्रेन, मुझे तो सिर की दर्द होने लगती है, माइग्रेन होती है कई लोगों को, सिर में दर्द होने लगता है, तो कहती है मैं इसको नहीं सहन कर सकती तुम्हारे रोक पॉप म्यूज़िक को, आई एम लिविंग, एंड माई एंड मी स्पॉन्डाइलिटिस ग्रम्बल्ड माई अंकल, और मेरे जो अंकल हैं वो भी कहते हैं कि मुझे तो बैक पेन हो जाता है, इसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बैक पेन हो जाता है, मुझे तो खड़े खड़े यहाँ पे बैक पेन हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। बट दे ऑल स्टेड ऑन एंड वॉच्ड अस एज वी अनपैक द इंस्ट्रूमेंट्स, और कहते कि उसके बाद जो हैं बाकी जो सारे वहाँ पे खड़े रहे और हमें देखते रहे जब तक कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट जो थे अनपैक कर रहे थे, डिब्बों में से निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक कोर्ड्स जो उसकी तारें आई हुई थी साथ में एंड माइक्रोफोन्स जो आए थे। ऑल बट सीमा शी वाज सिटिंग हर फेवरेट स्पॉट ऑन द वरांडा, कहती है और वो जो सीमा थी पर वह कहाँ बैठी हुई थी, हर फेवरेट स्पॉट, उसका फेवरेट जो जगह थी बैठने की वो वरांडा था, बरामदे में बैठी हुई थी फेसिंग द गार्डन, मुंह करके गार्डन की तरफ। शी वॉज वियरिंग ए पिंक ड्रेस, उसने गुलाबी कलर की एक फ्रॉक पहनी हुई थी, द काइंड स्मॉल गर्ल्स वियर, जैसे कि आपने देखा होगा छोटी लड़कियां जो पहनती हैं वाइट पिंक फ्रॉक्स विद ए वाइट लेस कॉलर और लेस जो वाइट कॉलर बना होता है, शी लाइक दोज ड्रेसेस, उसको वही ड्रेसेस पसंद थी, वो फ्रॉक्स ही पसंद थी, एंड नो बडी कुड मेक हर वियर जीन्स और सलवार कमीज, कहता है और कोई भी उसको नहीं बना सकता था कि वो उस ड्रेस को ना पहन, उसे फ्रॉक्स पहनना ही पसंद था, वो कोई भी उसको जीन्स या सलवार कमीज नहीं पहना सकता था, लाइक अदर गर्ल्स हर एज, जैसे कि दो दूसरी लड़कियां उसकी एज की थी उनको तो सलवार कमीज या जीन्स वगैरह भी वो पहनती हैं, बट शी डिडंट लाइक टू वियर दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस लाइक सलवार कमीज, नोबडी नॉट इवन माई मदर, कहती है कि यहाँ तक कि मेरी माँ भी उसे ये चीज़ें नहीं पहना पाती थी क्योंकि वो जिद करती थी कि नहीं डालनी उसे। शी वॉज होल्डिंग हर टैडी इन हर आर्म्स एंड रोकिंग स्लाइटली टू एंड फ्रो, और मेरी बहन ने सीमा ने जो है हाथ में एक टैडी बियर पकड़ा हुआ था और वो उसको ऐसे झूले दिला रही थी अपनी आर्म्स में लेकर ऐसे ऐसे करके, जैसे छोटी लड़कियों को आपने देखा होगा वो टैडी बियर हाथ में पकड़ लेती हैं, कभी ऊपर करती हैं कभी नीचे करती हैं, लाइक ए बेबी शी वॉज रोकिंग स्लाइटली टू एंड फ्रो, इधर उधर उसको कर रही थी टैडी को। आई कॉन्ट स्टैंड टू सी हर रोक लाइक दैट, कहता है मैं नहीं रह सकता था उसे ऐसे देखते हुए कि वो अपने टैडी होल्डिंग दैट सिली टू ओल्ड टैडी बियर टू हर चेस्ट, और वह अपने छाती के साथ उस टैडी बियर को लगाए हुए थी, कहता मुझे मैं रुक नहीं पाया, रोक नहीं सका अपने आप को, और शी लुक्ड सो लो सो फॉरगॉटन, आई पुट डाउन माई गिटार एंड वेंट ओवर टू हर, कहता है कि वो जो मेरी बहन थी सीमा वो अपने आप में ही खोई हुई थी, पता नहीं वहाँ सो फॉरगॉटन भूली हुई थी बिल्कुल भी, जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में है। आई पुट डाउन माई गिटार, कहता है मैंने अपने गिटार को नीचे रखा एंड वेंट ओवर टू हर, और उसके पास गया। हे सिम्स आई सेड कम एंड सी व्हाट वी हैव ब्रॉट, तो कहता है कि मैंने उसे कहा सीमा, उसका जो छोटा नाम है सिम्स बुला रहा है उसको क्योंकि उसका भाई है वो, तो वो कहता है कि सीमा सिम्स कम एंड सी, आओ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। शी रोज क्लमजीली हर शोल्डर्स हंस्ड अप, वो जैसे हम कई बार बच्चों को उठा कहते हैं ना भी उठो एक बार देखो तो सही, तो वो एकदम से अपने जो शोल्डर है उनको ऐसे ऊंचा करके वो सिकोड़ रही है ऐसे, मतलब उठने की वो उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वहाँ से वो उठे। शी इज़ ए ईयर यंगर दैन मी बट आलमोस्ट माई हाइट बिग एंड स्टाउट, कहती है कि वो मेरे से कहता है कि वो मेरे से एक साल छोटी है लेकिन उसकी हाइट मेरे बराबर ही है, मेरे जितनी ही बड़ी है वो, एंड स्टाउट और बिल्कुल सीधी है स्ट्रेट। हर नोज वाज रनिंग, कहते हैं कि उसका जो नाक है वो बह रहा था। शी डिडंट सीम टू नोटिस, जैसा कि उसने इसको नोटिस ही नहीं किया था कि उसका नाक बह रहा है। I pulled out my handkerchief and wiped her nose, कहता है मैंने अपना जो है हैंकी निकाला अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाला और मैंने उसका जो है नाक जो है साफ़ कर दिया। Keep your nose clean, Sims, I said, मैंने कहा Sims अपनी नाक साफ रखा साफ किया करो। She looked at me and smiled, वो मेरी तरफ देखने लगी और मुस्कुराई। Her face gets all lopsided when she smiles, और कहता है कि जब वो हंसती है तो उसका जो मुँह है वो टेढ़ा हो जाता है, वो एक तरफा की स्माइल देती है। हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा जो दिव्यांग बच्चे हैं
जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो जब वो हंसते हैं तो उनका कई बार उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है हंसते हुए, तो लोप साइडेड कह रहा है उसको, वैनशी स्माइल जब वो हंसती है. वन हैज़ टू गेट यूज टू इट, आई हैव, कहता है इसकी तो सबको ही आदत पड़ जानी चाहिए और मुझे तो खासकर सीमा की आदत है, मैं उसको देखता हूँ. इन द ड्रॉइंग रूम, कहता है ड्रॉइंग रूम में चिम्स वॉज प्लेइंग द ड्रम्स, चिम्स जो था वो ड्रम प्ले कर रहा था, बीटिंग अवे टू ग्लोरी. When Seema's eyes fell on them, she halted and stared at the big cymbals, fascinated. और कहता है कि वो बड़ी खुशी से उसको बजा रहा था, तभी अचानक ही जो सीमा की आइज जो थी वो एकदम से रुकती हैं, हॉल्टर्ड रुकती हैं, एंड स्टेयर्ड एट द, और फिर वो एकदम से सिंबल्स की तरफ जो है स्टेयर करने लगती है, घूरती है. सिंबल्स होते हैं इट टाइप ऑफ मेटल प्लेट्स होती हैं, दो सर्कुलर बड़ी बड़ी जैसे डिस्क शेप में बड़ी बड़ी होती हैं प्लेट्स, तो वो आपस में बजाते हैं जो ड्रम जिनका बैंड होता है उनके पास होते हैं ये सिंबल्स. फैसिनेटेड तो उसको बड़ा उसकी तरफ आकर्षित हुई वो, एंड फॉलोड शिम्स मूवमेंट इंटेंटली, तो वो चिम्स की जो मूवमेंट थी, जो चिम्स कर रहा था ड्रम्स बजा रहा था, तो वैसे वैसे ही वो भी उसकी मूवमेंट को बड़ी उत्सुकता से फॉलो करती है. कहते हैं देन शी ड्रू क्लोजर एंड स्टूड इन चिम्स वे, और तब वह उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, स्टूड इन चिम्स वे, और जैसे कि जो चिम्स खड़ा हुआ है वैसे ही. हे ही सेड, स्टे वेयर यू आर फनी फेस, तो चिम्स उसको कहता है रुको वहीं पे खड़ी हो जाओ, फनी फेस, तुम्हारा तो फेस ही बड़ा फनी सा है. उसको फनी फेस बुलाता है क्योंकि वो जो तो टेढ़ा सा हंसती है, शी इज़ एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, इसलिए वो उसको फनी फेस बुला रहा है, कहता है वहीं पे रुक जा जहाँ पे खड़ी है, यहाँ मत आना. सीमा हेट्स टू बी कॉल्ड दैट, और सीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुछ कोई उसे इस नाम से पुकारे. नॉर्मली शी आंसर्स विद ए मैसिव बॉल, और कई बार तो वो इस चीज़ का आंसर वो चिल्ला करके देती है, वो रोने लग जाती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. बट टुडे शी डिडंट सीम टू हियर, लेकिन आज लगता है कि उसने सुना ही नहीं था जब उसने उसको फनी फेस कहा. हर आइज़ वर ग्लूड टू द ह्यूज बास ड्रम, क्योंकि उसकी आइज़ जो थी वर ग्लूड, वो तो उसकी तरफ ही चिपकी हुई थी, उसके ह्यूज बड़े बड़े ड्रम पड़े थे ना जो चिम्स के, वो एक तरफ उस पर ही अटक गई थी. ग्लूड होता है एक तरफ ही अटक जाना, अभी जहाँ पर नज़र हमारी ठहरी वहीं पर ठहर जाती है. Then they wandered over the tom-tom, फिर वो उसकी नज़र दूसरी तरफ tom-tom पे गई. And finally rested on the shining symbols, और फिर उसको उसकी नज़र उसने घुमाते हुए देखा, जो उसकी नज़र जो है वहाँ पे कहाँ पे गई, shining symbols के ऊपर, जो वो बड़े बड़े जो डिस्क के आकार के जो सर्कुलर मेटल प्लेट्स थी जो चमक रही थी उस पर पड़ी. She held out her hand pleadingly and begged, Seema, 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 and imitated chimes at the drums. तो उसने जो है अपना जो हाथ ऐसे निकाला प्लीडिंगली, जैसे बैग किया हो उसने, ऐसे करके कहा सीमा 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 एंड चिम एंड इमिटेटेड चिम्स एट द ड्रम्स, और उसने जो है चिम्स की नकल उतारने की कोशिश की जैसे चिम्स ड्रम पे करता है. स्टॉप दैट, डोंट टच माई ड्रम्स, क्राइड चिम्स, और चिम्स जो है वो चिल्लाता है और कहता है कि रुको वहीं पर, मेरे ड्रम्स को हाथ मत लगाना. And slapped Seema's hands away. और उसने जो जैसे ही वो हाथ लगाने के लिए ड्रम्स पे कोशिश कर रही थी अपना हाथ बढ़ा के, उसने उसके हाथों को झटक करके पीछे कर दिया. Seema jerked back, और वो भी एकदम से पीछे हट जाती है Seema. Her face twisted into cry, लेकिन वो उसका जो फेस है वो ऐसे हो जाता है जैसे वो अभी चीख मारेगी. She ran to my mother who had just entered the drawing room, वह भागते हुए मेरी मदर के पास चली जाती है जो अभी ड्राॅइंग रूम में जिन्होंने एंटर किया था. एंड हिड हर फेस इन हर शोल्डर, और अपना मुँह उनके शोल्डर पे रख करके फेस जो है वो छुपा लेती है उसमें, क्योंकि उसको चिम्स ने उसको डांटा था, इसलिए वह भाग करके माँ के पास जाती है. माई मदर फोल्डेड हर आर्म्स अराउंड सीमा, और जो मेरी मदर हैं वो अपनी जो बाजुएं हैं सीमा के चारों तरफ ऐसे कर लेती हैं, सूदिंग हर, उसको प्यार करती हैं. इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, शी विस्पर्ड, वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में उससे बात कर रही हैं. स्ट्रोकिंग माई सिस्टर्स बैक, और वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रही हैं जो मेरी मदर है. इट्स ऑल राइट बेबी, डोंट क्राई, फिर वो कह रही हैं कि मत रो बेटा, कुछ नहीं होता. इट्स नॉट ऑल राइट आंटी, प्रोटेस्टेड चिम्स, और चिम्स चिल्ला करके कहता है नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है. एंड बिगन टू पैक अप द सेट ऑफ ड्रम्स,
और वो जल्दी से अपने जो ड्रम्स हैं उनको पैक करने लग जाता है. नोबडी इज़ टू टच माई ड्रम्स, कहता है मेरे ड्रम्स को कोई हाथ भी ना लगाए. लीस्ट ऑफ ऑल सीमा, और सीमा तो बिल्कुल भी नहीं. ही शाउटेड एट सीमा, और वो सीमा पे चिल्लाता है. हु स्टेयर्ड एट हिम इन फ्राइट, और वो अभी भी घूर रही है उसके तरफ डर के मारे. इफ़ यू टच दैम अगेन यू हैव हैड इट, तो वो कहता है, फिर से चिम्स उसको डांटता है, कहता है अगर तुमने इसको हाथ लगाया ना तो जानती रहना भी मैं क्या करूँगा. चिम्स माई मदर वॉज शॉक्ड, तो एंड सो वाज आई, तो माई मदर जो है वो एकदम से बिल्कुल हैरान रह जाती है कि चिम्स ऐसे मेरी जो बेटी को वो डांट रहा था, और मैं भी बहुत हैरान था क्योंकि वो मेरी बहन थी. कपिंग हर ईयर्स विद हर हैंड्स, वो अपने कानों को ऐसे ढक लेती है कि उसकी जो चिल्लाहट है, जो वो चीख रहा था चिम्स, उनको उसको ना सुनाई पड़े. सीमा क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट, सीमा जो है और जोर जोर के चिल्लाने लगती है. शी श्रीक्ड होल्ड एंड किक्ड हर लेग्स टिल हर होल बॉडी ग्रू टेंस विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो वो एकदम से वो चिल्लाती है, चिंखे मारती है, अपनी टांगों को दूर दूर तक ऐसे झटकारती है, और जब तक कि वो बहुत उसको गुस्सा आता है, उसकी बॉडी जो है टेंस हो जाती है. आपने देखा होगा जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो अगर वो ऐसे जिद पे अड़ जाए ना, अगर उनको जैसे कपड़े नहीं बदलने या उन्हें अपनी फेवरेट कोई भी ड्रेस है जो वो नहीं चेंज करनी, तो दे स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस. वो होल बॉडी ग्रू टेंस एंड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है सीमा बिल्कुल. नो बेबी नो, माई मदर जेंटली स्ट्रोक्ड हर हेयर, तो मेरी मदर कहती है, उस पर हाथ सहलाती हुई उसके बालों पे कहती है, नहीं बेटा कोई बात नहीं बच्चे. वैन सीमा सोब्स सबसाइडेड, जब सीमा जो है पहले वो सुबकती रहती है लेकिन अब वो धीरे धीरे माँ उसको सहला रही है तो वो शांत हो जाती है. माई मदर टुक हर आउट ऑफ द रूम, और मेरी मदर उसको जो है कमरे से बाहर ले जाती है. टॉकिंग टू हर लविंगली, और बड़े ही प्यार से उसके साथ बात कर रही हैं. आई वॉच देम लीव, मैंने देखा कि वो वहाँ से चली गई. एंड देन टर्न टू चिम्स, और तब मैं चिम्स के पास गया जाता हूँ. लुक आई टोल्ड हूँ, और मैंने उसे बताया, देखो यू डोंट हैव टू बी सो रूड टू हर, उसके साथ ऐसे मत बिहेव किया करो, इतना रूड उसके साथ मत बनो, इतना कठोर मत बनो. शी टू इज़ इंटाइटल टू ए बिट ऑफ हैप्पीनेस, उसे भी अधिकार है कि वो थोड़ा सा खुश रह सके. दे आर सो लिटल दैट शी कैन डू, क्योंकि वो बहुत कम ही है जो वो ऐसा कर सकती है. उसके पास खुश रहने के जो हैं जो विकल्प हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए तुम उसको ज़्यादा उसके साथ इतने कठोर मत बनो, उसे इतना तंग मत किया करो.